गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम टेंस स्टडी करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन क्लास में अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट उसके चार पार्ट्स अपन ने स्टडी करे। पास्ट टेंस चल रहा था, पास्ट टेंस में लगभग पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अल्टरनेट नेम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। तो दोनों नेम्स में आपको जो भी लर्न हो वो आप लर्न कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मीन्स है इसमें कार्य जारी रहना शो होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान अपन करेंगे, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब पास्ट समय में कार्य का जारी रहना इसमें प्रतीत होता है। तो रहा था, रही थी, रहे थे हिंदी के शब्दों के अंत में आएंगे, तो वो टेंस, वो जो वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर यूज होती है। वाज एकवचन के साथ, वर बहुवचन के साथ। एकवचन जो सिंगुलर नाउन होती हैं, ही शी इट या नेम, और जो प्लूरल नाउन्स होती हैं वो होती हैं आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब का अपन यूज करेंगे। वह मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है वो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज इसमें करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना, और आप आसानी से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गोल्डन रूल फर्स्ट देखें अपन, जो कि साधारण वाक्यों के लिए लेते आ रहे हैं अपन, या सिंपल सेंटेंसेस के लिए। इसके लिए आप फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज या वर, दोनों में से कोई सा एक, फिर मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेट है। इसका यूज करके आप कुछ साधारण वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लें अपन, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, लीला सुबह गाना गा रही थी। लीला सुबह गाना गा रही थी। अब देखिए, जो हिंदी का सेंटेंस है इसको अपन सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, लास्ट के शब्द देखिए इसके, रही थी। अब रही थी जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं पहचान, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस का वाक्य है। अब देखिए, इसमें नॉट का प्रयोग भी नहीं हुआ, तो ये नकारात्मक भी नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं किया जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो ये सिंपल वाक्य है, लीला सुबह गाना गा रही थी, तो इसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस फॉर्मेट का यूज करके अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ लीला है, तो मैंने राइट कर दिया लीला। अब लीला देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो वाज वर्ब में से अपन वाज राइट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो लीला वाज। क्रिया क्या हो रही है, गाने को गुनगुनाना। अब गाना तो सॉन्ग हो गया, और गुनगुनाना जो क्रिया होती है उसको सिंग कहते हैं, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो सिंगिंग, तो सिंग के साथ आईएनजी ऐड करते ही सिंगिंग हो जाएगा। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब सुबह गाना गा रही है, फिर ये ऑब्जेक्ट में इंक्लूडेड हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, तो हो जाएगा लीला सुबह गाना गा रही थी, लीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, मम्मी हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी। मम्मी हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी, देखिए वही पहचान है, लास्ट में रहा था, रही थी है, कोई नहीं का प्रयोग भी नहीं हुआ, साधारण वाक्य ही है, कोई प्रश्न भी नहीं किया जा रहा है, तो ये साधारण वाक्य है। इसको अपन इसी फॉर्मेट की हेल्प से इसको इंग्लिश में इजी वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट राइट करते हैं इस वाक्य में। देखिए, सब्जेक्ट मम्मी है या मदर, तो आप मम्मी या मदर कुछ भी आप राइट कर सकते हैं मम्मी को, तो मम्मी या मदर। मम्मी क्या सिंगुलर है, एक ही है मम्मी, सिंगल है, तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वाज आ जाएगा, तो अपन हेल्पिंग वर्ब वाज राइट कर लेंगे, तो मम्मी या मदर वाज। अब क्रिया क्या कर रही है, क्रिया क्या कर रही है, तैयार करना, तैयार करने को प्रिपेयर कहते हैं, और प्रिपेयर के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो प्रिपेयरिंग ओवर ब्रेकफास्ट, ओवर और ये हमारा और नाश्ता ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो ओवर ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, मम्मी हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी, मम्मी या ऑब्लिक मदर वाज प्रिपेयरिंग ओवर ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी इजी है, आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।
आप भी कोशिश करें इन कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की इस फॉर्मेट का यूज करते हुए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, पिताजी सुबह नहा रहे थे, पिताजी सुबह नहा रहे थे। देखिए वही पहचान है, लास्ट में रहा था रही थी है, नहीं का प्रयोग भी नहीं हुआ, कोई प्रश्न भी नहीं किया जा रहा, मतलब ये साधारण वाक्य है। पिताजी सुबह नहा रहे थे तो पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट राइट करते हैं सेंटेंस में, तो फादर, अब फादर सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, क्रिया क्या हो रही है नहाना, नहाने को बाथ कहते हैं, बाथ में आईएनजी जुड़ जाएगा तो बाथिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फादर वाज बाथिंग। फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है इन द मॉर्निंग, सुबह नहा रहे थे तो ऑब्जेक्ट में इंक्लूडेड हो जाएगा इन द मॉर्निंग, पिताजी सुबह नहा रहे थे, फादर वाज बाथिंग इन द मॉर्निंग। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माताजी दोपहर में सो रही थी, माताजी दोपहर में सो रही थी, तो माताजी सब्जेक्ट हो जाएगा, पहचान हुई, साधारण वाक्य हैं ये सारे, नहीं वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। तो माताजी को मदर या मम्मी, दोनों में से आप कुछ भी राइट करें, मदर क्या सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, मदर वाज, क्रिया क्या हो रही सोना, सोने को क्या कहते हैं स्लीपिंग, स्लिप, और स्लिप के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग, तो मदर वाज स्लीपिंग दोपहर में इन द आफ्टरनून, क्या हो जाएगा मदर वाज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन नेक्स्ट गोल्डन रूल देखेंगे सेकंड, जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, जिसमें नोट का प्रयोग करेंगे अपन ट्रांसलेट करते समय। आज की वीडियो क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन गोल्डन रूल सेकंड देखेंगे। थैंक यू।